Welcome back. I hope you are all doing well, understanding well and learning well. Today, I have a very magical thing for you, that is a marathon on teaching aptitude. अब मैराथन का क्या बेनिफिट होगा? देखो, मैराथन बच्चे तभी पढ़नी है जब आपने हर एक टॉपिक को डिटेल में जाना है, ठीक है? तब जाके ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली इस पे जंप करो। ये रिविजन पर्पजेस के लिए है, आपका एक माइंड मैप क्रिएट करने के लिए है, बट इससे पहले चीजों को अच्छे से समझिए। देखो, हम सभी को पता है यूजीसी के पैटर्न के हिसाब से आपके टोटल में जो मार्क्स होते हैं दैट इज 300 अप्रॉक्स, ठीक है? आपका जो पेपर फर्स्ट होता है उसके मार्क्स होते हैं 100 और आपका जो अपना गिवन पेपर होता है उसके 200। अब हमें पता है सभी को कि जो सेकेंड पेपर है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, उसमें 140-150 मार्क्स निकाल के भी अगर आप पेपर फर्स्ट में 70 प्लस ले जाते हो तब भी आपका जीआरएफ होने के पॉसिबल जो चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जीआरएफ एंड आई विश यू कि आप बेसिक लेवल पे मेहनत करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, लाइफ की एक सच्चाई ये है कि अगर आप बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हो तो सभी आपके साथ है, सब आपके रिश्तेदार हैं, लेकिन आप लाइफ में थोड़ा भी डाउन हो जाते हो, कोई आपका संगी साथी नहीं है। पढ़ाई आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए आपकी लाइफ की ग्रोथ, क्योंकि आप इस नज़रिए से मत, एक इस एटीट्यूड से मत सोचो कि सिर्फ आपको जीआरएफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए चाहिए, बट ये सोचो कि आप पीएचडी रिसर्च फेलोशिप में कितना बेस्ट कर सकते हो, कितना डिफरेंट कर सकते हो, कितना यूनिक कर सकते हो और अपने नेशन के लिए कितना बेस्ट कर सकते हो। कुछ स्ट्रैटेजी जैसे कि बहुत पीसफुल आपको रहना पड़ेगा एग्जाम के टाइम पर। क्यों? क्योंकि देखो, जो आपका एग्जाम होता है, कोई भी एग्जाम हो, उसमें एवरेज मार्क्स पहले से ही दिए गए होते हैं। अगर आपका माइंड पीसफुल होगा तभी आप उन चीज़ों को देख पाओगे। रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। क्यों? क्योंकि जो नॉट वाले सवाल होते हैं ना, अक्सर काम खराब करते हैं और आपको चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम आगे टीचिंग एप्टीट्यूड का कंप्लीट मैराथन स्टार्ट करते हैं। सो बने रहिए, जो भी आपके डाउट्स है, कुछ भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी इश्यूज है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो। सबसे पहले हम लोग मेजर फिलोसफीज देखेंगे, मेजर फिलोसफीज के बारे में बात करेंगे। हमारी मेजर फिलोसफीज में जो हमारी सबसे पहले फिलोसफी आती है दैट इज आइडियलिज्म। अब ये जो आइडिया है, आइडियलिज्म है, ये बेसिकली बात करता है माइंड और सेल्फ के बारे में। ये मानते हैं कि जो यूनिवर्स है वो माइंड या गॉड अंडरस्टैंडिंग से बना हुआ है और जो भी चीज़ें हैं वो क्या है, ध्यान देना यहाँ पे, वैल्यूज आर एब्सोल्यूट इंटरनल एंड अनचेंजिंग। जो हमारे वैल्यूज होते हैं वो एक तो एब्सोल्यूट है, मतलब अपने में पूरे है, इटर्नल है, मतलब इंटरनल है एंड अनचेंजिंग है, जो कि चेंज नहीं होते हैं। और इसके मेन प्रोपोनेंट कौन है, ध्यान देना, आइडियलिज्म के फादर प्लेटो को माना जाता है। फ्रॉबिल कैंट, प्लेटो, स्वामी दयानंद, विवेकानंदा, श्री अरविंदो इसके मेन प्रोपोनेंट्स। और एग्जाम में ये बहुत बार चीजें पूछ ली गई है। वंस अगेन आई विल रिपीट फॉर यू, दैट इज फ्रॉबिल कैंट, ये एमिनल कैंट है, प्लेटो, स्वामी दयानंद जी, स्वामी विवेकानंदा जी एंड श्री अरविंदो घोष, ये आपके जो प्रोपोनेंट्स है आइडियलिज्म के है। और आइडियलिज्म मानता है कि जो आपके वैल्यूज होते हैं वो एब्सोल्यूट होते हैं, इटर्नल होते हैं और अनचेंजिंग होती है। और इनका बेसिकली किसके बारे में बात कर रहे हैं, माइंड और सेल्फ के बारे में, एक्चुअली जिसे हम स्पिरिचुअलिज्म कहते हैं। ये यूनिवर्सल फिनोमिना में मैं क्या रखती है, विश्वास रखती है। अब हमारी जो सेकेंड फिलोसफी है उसके बारे में बात करेंगे, दैट इज नेचुरलिज्म। ये लोग मानते हैं कि नेचर एक बेस्ट टीचर है, एक स्टूडेंट को, एक चाइल्ड को, एक बच्चे को नेचर में छोड़ दो और वो नेचर में ही क्या कर सकता है, बेस्ट चीज़ें सीख सकता है, नेचर उसका एक बेस्ट टीचर है। और इस फिलॉसफी में कौन विश्वास रखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जीन जैन रोशियो, आपके रविंद्रनाथ टैगोर एंड हर्बर्ट स्पेंसर। आपका हर्बर्ट स्पेंसर नेचुरल राइट्स पे बहुत एम्फेसिस देते हैं, ये आपका सर्वाइवल ऑफ, जैसे डार्विनिज्म था ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब नेचर ही सब कुछ सिखाएगा, दैट इज द मेन फंडा। और उसके बाद आपका आता है जिस फिलॉसफी को हम बोलते हैं प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म वर्ड का मतलब होता है प्रैक्टिकल, कोई ऐसी चीज जिस पे हम एक्टिविटी कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज जो हम करके सीख रहे हैं,
जैसे मैं एक टीचर हूँ, मैं एक बेहतरीन टीचर बनना चाहती हूँ, तो मैं आपको पढ़ाऊंगी, उससे चीजें क्या होगी, मुझे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, मेरे भी डाउट्स क्या होंगे अच्छे से समझ आएंगे और मैं भी सीखूंगी। इसके मेन प्रोमिनेंट्स जो फिलोसफर्स है, एक तो जॉन डेवी आपके बहुत बार टीचिंग एप्टीट्यूड में रिपीट होते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छे एजुकेशनिस्ट थे। पॉलिटिकल साइंस में भी उन्होंने डेमोक्रेसी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई और ये मानते थे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को। किलप्रैट एंड मीड इसके क्या है, प्रोपोनेंट्स है। देखो यहाँ वर्ड को समझना, वर्ड का मतलब है कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्ट होता है किसी चीज़ को बनाना। इसके मेन प्रोमिनेंट आपके जो फिलोसफर्स थे वो जीन पाइगट है एंड जी एस बर्नर है। अब मैं आपको समझाती हूँ इसका इंपॉर्टेंस क्या है और ये क्या मानते हैं। देखो मैंने आपको एक चैप्टर समझाया, उसका आधा पार्ट समझाया और नेक्स्ट डे आधा पार्ट समझाऊंगी। ये मानते हैं कोई भी चीज़, कोई भी नॉलेज होती है वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस पे बेसिस होती है। पास्ट में हमने कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें सीखी, आज की जो नॉलेज है उसको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो हम चीज़ों को क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं इन अ प्रॉपर वे सो दैट हमें चीज़ें क्या हो, अंडरस्टैंड हो। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट फिलोसफी आती है दैट इज ह्यूमनिज्म। वर्ड से ही हमें पता चलता है जो ह्यूमनिस्ट वर्ड का मतलब है ह्यूमनिज्म, कि ये लोगों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, लोगों के बारे में बात हो रही है। इनका सेंटर ऑफ कंसर्न है कि इंसान को इम्पोर्टेंस दी जाए, उसकी राइट्स का ध्यान रखा जाए, उसकी चॉइसेस का ध्यान रखा जाए और वो कैसे ग्रो करना चाहता है सबसे ज़्यादा इस बात पर ध्यान दिया जाए। देन आते हैं रैशनलिस्ट। देखो वर्ड रैशनल का ध्यान रखना, ये मानते हैं जो चीज़ें हम सेंस एक्सपीरियंस करते हैं, कोई चीज़ छुई है, समझी है, देखी है, लॉजिक, जैसे 2+2 इज 4, 4+4 इज 8, 8+8 इज 16, इन द वे। इम्प्रलिस्टिक बिलीव करते हैं जो हमने देखा, आपने मुझे पढ़ाते हुए देखा, कोई चीज़ को खा के देखा, कोई चीज़ को टेस्ट करके देखा, जो आपका प्रैक्टिकल सेंस एक्सपीरियंस है उसको हम बोलते हैं इम्प्रलिज्म या इम्प्रलिस्टिक फिलोसफी। आप ध्यान देना, एग्जिस्टेंशियलिज्म मानती है कि एक इंसान जो होता है उसकी फ्री चॉइसेस होनी चाहिए, इंडिविजुअल की फ्री चॉइसेस होनी चाहिए और उसकी एग्जिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका जो उसकी यूनिकनेस है वो उसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए और उसकी यूनिकनेस को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। और बिहेवियरिज्म मानती है अगर हम एक इंसान को चाहे तो उसे चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम पैवलोव की लर्निंग थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है वो समझते हैं कि अगर हम लर्निंग की डेफिनेशन देखी जाए, लर्निंग की डेफिनेशन क्या होती है बच्चे आपको भी पता होनी चाहिए, लर्निंग का मतलब होता है आपका मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर। जैसे एक बच्चा पढ़ने में पहले बहुत अच्छा नहीं था लेकिन टीचर्स ने उसकी हेल्प की, टीचर ने उसको और बेटर तरीके से चीज़ें समझाई, तो अब वो क्या कर पा रहा है, अच्छे से पढ़ पा रहा है, अच्छे से समझ पा रहा है। अब ध्यान देना, मैंने ईएल थ्रॉगडाइन की बात बोली थी, आप मेरे चैनल पे इसका पूरा देख सकते हो, मैंने इस पे पूरा एक बनाया, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ऑब्वियसली बात है प्रैक्टिकली तो समझाऊंगी बिकॉज दिस इज माय ड्यूटी। देखो ये मानते हैं कि जब भी हम कोई चीज़ें सीखते हैं उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। अब वो क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, एक कैट होती है जिसपे प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करते हैं, एक लैच मतलब एक बॉक्स होता है केज टाइप का, उसमें बाहर कुछ खाने पीने के लिए रख दिया गया होता है, मीट रखा जाता है और उससे क्या होता है, इंसिडेंटली उससे एक बार वो लैच खुल जाता है, लैच खुल जाता है, वो बार बार प्रैक्टिस करती है, बार बार क्या होता है वो इजीली उसको खोल पाती है। इसका मतलब जैसे जैसे उसके ट्रायल्स इंक्रीज होते हैं वैसे उसके एरर्स डिक्रीज होते हैं। यहाँ पर हमारे सामने दो चीज़ें आती हैं, एक होता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ये आपका प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जब भी आप किसी चीज़ को बहुत बार प्रैक्टिस करो तो वो क्या हो जाएगी, परफेक्शन आ जाएगी। दूसरा लॉ ऑफ आपका इफेक्ट, अगर आपको किसी चीज़ से खुशी मिल रही है, आपका एक्सरसाइज करने से पता है वेट रिड्यूस हो रहा है, आप फिट हो रहे हो, आपको बहुत सुंदर लग रहा है अपना आप, तो रिनफोर्स हो रहे हो, आपके लिए वो एक स्टिमुलस है और आप रिस्पॉन्स में क्या करोगे, काफ़ी अच्छे एक्सरसाइज करोगे। उसके बाद हमारे पास एक जो है स्टाल थ्योरी, जिस्टाल कहते हैं होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। इसका मतलब जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं, जब भी हम किसी चीज़ को समझते हैं, हम एज अ होल, हम ट्री देखेंगे, बाद में हम बोलेंगे अच्छा ये इसके स्टेम है, ये इसके रूट्स है, ये इसके लीव्स है, ये इसके ब्रांच है, इसके पर बर्ड बैठी है। सबसे पहले हम चीज़ों को एज अ होल लेंगे, एज अ होल समझते हैं। उसके बाद इस फिलोसफी के बारे में बहुत ध्यान से देखना क्योंकि ये फिलोसफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बच्चे इसको बहुत ईजी टर्म है और इसको नज़रअंदाज करते हैं। इलिस्टिक फिलोसफी मानती है सभी चीज़ें, जितनी अभी तक मैंने सभी फिलोसफी पढ़ी उनका बेस्ट बेस्ट जो पार्ट है
उसको आप यूज करो, क्योंकि हर सिचुएशन में हर डिफरेंट चीज जरूरत पड़ती है। अभी किसी बच्चे का पढ़ने का तरीका एक है, किसी का एक तरीका है, किसी का दूसरा तरीका है, तो क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, क्या चीजें बेस्ट यूज करनी है, उस बारे में हमें क्या करना है, ध्यान देना है। अभी हम नेक्स्ट चीज देखेंगे, बात करते हैं इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द एजुकेशन। ये एग्जाम में बहुत बार पूछ ली जाती है आपसे, अब आप उसको अच्छे से ध्यान देना कि कैसे हम इस चीज़ को समझ सकते हैं और इस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं। बेसिक एजुकेशन की बात करते हैं महात्मा गांधी जी, जिसे हम वर्धा एजुकेशन सिस्टम कहते हैं। लर्निंग नेचर में होती है, नेचर में ही सब कुछ, नेचर से ही इंसान सीखता है, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बोला है। इंटरगल एजुकेशन जो है श्री अरविंदो जी ने बोली है। और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन फिलोसफी की बात करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्होंने हमारी एजुकेशन पॉलिसीज बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा क्या किए, हेल्प किए। एजुकेशन एक इंसान के माइंड को ट्रांसफॉर्म करती है, उसकी लाइफ को चेंज करती है, ये बोला गया है जय कृष्णमूर्ति के द्वारा। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, क्या आपको जब भी कोई चीज़ सीखनी है उसको एक्सपेरिमेंट करो, उस पर सीखो, उसको खुद करो, तो ये कौन बोलते हैं, जॉन डेवी। सेल्फ एजुकेशन, खुद से सीखना, खुद से डेवलप होना, खुद से ग्रो करना, इसके बारे में बात करती है मैरी मॉन्टेसरी। किंडरगार्टन, आप बच्चों को क्या करो, सेल्फ एक्टिविटी दो, क्रिएटनेस दो, गेम्स खेलो, उनको चीज़ों में नेचुरली ग्रो करने दो, ये बोलते हैं फ्रॉबिल। और आपके रूशो मानते हैं नो फॉर्मल लर्निंग, नेचर एक अकेला ऐसा टीचर है जो बच्चे को खुद सिखा सकता है, समझा सकता है। अब हमारा एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, देखो अभी तक जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया वहाँ से एग्जाम में चीज़ें पूछ ली जाती है, इसीलिए उसको फिर से जाके रिवाइज करना या माइंड मैप के नोट्स अपने बनाना। अभी हमारा जो टॉपिक है दैट इज फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन की हम बात करेंगे। देखो बच्चे, एजुकेशन का मतलब सिर्फ पढ़ाई लिखाई, किताबें, डिग्रीज नहीं होती है, आप अपने नेचर में भी जो चीज़ें सीखते हो वो भी एजुकेशन है। हमारे पास सबसे पहली होती है फॉर्मल। अब फॉर्मल में क्या होता है, एक तो प्री प्लान्ड शेड्यूल होता है, एक टाइम पीरियड होता है, एक आपके पर्टिकुलर ईयर्स होते हैं। आप जैसे एक बच्चा 3 साल का है उसको प्री प्राइमरी स्कूल में डालेंगे, वो 5-7 साल का हो जाएगा, फिर वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ करेगा, उसके बाद वो हायर सेकेंडरी करेगा, उसके बाद हायर सेकेंडरी करेगा, उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद मास्टर्स। ये क्या है, एक फॉर्मल एजुकेशन है जिसका एक पैटर्न है, जो ऑर्गेनाइज्ड है और एक प्री प्लान्ड है और एक उसका पर्टिकुलर करिकुलम है। उसके बाद आपका इनफॉर्मल एजुकेशन। देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फिलोसोफर की डेफिनेशन को बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पे जॉर्ज सनातन कहते हैं जो बच्चा सिर्फ स्कूल में सीखता है वो एक अनएजुकेटेड चाइल्ड है। क्यों? क्योंकि देखो नेचर हमें हर तरीके से सिखाता है, हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे चलना है, इमोशंस को कैसे समझना है, वो सब चीज़ें हम नेचर में सीखते हैं। तो इनफॉर्मल एजुकेशन का मतलब होता है जो हम अपने एनवायरमेंट से चीज़ें सीखते हैं। उसके बाद कंसेप्ट आता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन का, ध्यान देना। अब बोलोगे मैम फॉर्मल हो गया, नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है? बहुत सारे बच्चे जो किसी पर्पज़ की वजह से पूरी अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं या फिनेंशियल स्थिति जिनकी अच्छी नहीं है कि जो रोज़ स्कूल जा पाए, वो लोग अपने ओपन चॉइस स्कूल्स में एडमिशन लेते हैं, जैसे इग्नो में ले लेते हैं या डिस्टेंस में लेते हैं, या ओपन यूनिवर्सिटीज़ होती है, ओपन कॉलेजेस होते हैं, ओपन स्कूल्स होते हैं, जहाँ पर उनको सिर्फ एडमिशन करनी होती है और पेपर्स देने होते हैं, उनको स्टडी मटेरियल या वीडियोस दी जाती है, वो खुद से घर में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे को ये चीज़ पता है जो एजुकेशन है वो क्या है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ना, तो सीमित नहीं रहनी चाहिए। बहुत सारी फीमेल्स होती है जिनको घर से बाहर एलो नहीं किया जाता, तो उनके लिए भी ये बेस्ट है। बहुत सारे डिसेबल चाइल्ड्स हैं जिनकी कुछ हैंडीकैप वगैरह प्रॉब्लम्स है, वो भी अपने आराम से पढ़ सकते हैं। दूसरा, कुछ लोग जॉब कर रहे होते हैं लेकिन वो फिर भी पढ़ना चाहते हैं, तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन एक ओपन एजुकेशन सिस्टम है, जैसे कि हमारा, हम जैसे बात करते हैं किसकी, इग्नो की बात करते हैं, डिस्टेंस की बात करते हैं या ओपन यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं। अब ध्यान देना, ऐसे फैक्टर्स कौन से होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं एजुकेशन एम के, क्या ऐसी चीज़ें होती हैं? सबसे पहले फिलोसफी। हर एक नेचर, हर एक सोसाइटी, हर एक सिविलाइजेशन डिफरेंट होती है, वहाँ पे कौन सी फिलोसफी होगी। जैसे अब हम अपने इंडिया की बात करते हैं तो हम सेक्युलरिज्म को सामने रखते हैं, हम ह्यूमैनिटी को सामने रखते हैं, तो वो फिलोसफी, ह्यूमन नेचर, एक इंसान का नेचर कैसा है, एक इंसान कैसे ग्रो करता है, एक इंसान का स्वभाव कैसा है, और कल्चरल फैक्टर्स। ऑब्वियसली बात है, अगर हम नेचर लवर्स हैं, जैसे हम बर्मा की बात करेंगे, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होगी, हम नेचर को पूजेंगे, नेचर को इंपॉर्टेंस देंगे, एनवायरमेंटल स्टडीज़ को हमारा एक सिलेबस बनाया जाएगा।
और रिलीजियस फैक्टर्स, ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमारे बहुत सारे जैसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, आप मास्टर्स कर रहे हो बुद्धिज्म में या बुद्धिस्ट स्टडीज कर रहे हो, वैदिक पढ़ाई कर रहे हो, तो वहां पे आपको वेदास के बारे में ही पढ़ाया जाएगा। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, अब डेमोक्रेसी में क्या होगा, हर किसी के पास फ्री चॉइस होगी, लेकिन अगर वो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा, जिस हिसाब की गवर्नमेंट है वो चाहेगी कि हमारे खिलाफ कुछ भी बुरा नहीं बोला जाए। और नॉलेज के लिए देखो, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग ग्रो कर रहे हैं, अभी हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई देखी 2020 की, मेरी वीडियोज में वो चीज़ है, अगर नहीं देखी है तो उसको डेफिनेटली आप देखिए, समझिए और जानिए। हम नई चीज़ें ला रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर्स का यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस का यूज़ कर रहे हैं। COVID-19 तो हमें बेस्ट एग्जांपल दे दी ना कि कैसे एक पढ़ाई का पूरा पैटर्न चेंज हो सकता है, कैसे हमें ऑनलाइन चीज़ों पे बेस्ड हो गई पूरी एजुकेशन, कैसे हम चीज़ों पे और ज़्यादा जान सकते हैं और वोकेशनल। अब ऐसी बात है, इंडिया जैसी कंट्री हमेशा चाहती है कि हम सेल्फ इंडिपेंडेंट बन पाए, सेल्फ सफिशिएंट बन पाए, हम पढ़ाई के साथ साथ लर्निंग वाइल हम अर्निंग भी कर पाए। गांधी जी हमेशा इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस डालते थे, वो हमेशा वोकेशनल एजुकेशन को बहुत ज़्यादा क्या देते थे, इंपॉर्टेंस, और एंड पे जो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ एक्चुलाइजेशन। अगर पढ़ाई का एक्चुअल मतलब है तो सेल्फ एक्चुलाइजेशन, पैसा कमाना ही एक पढ़ाई का मकसद नहीं है, अपने आप को जानना, अपने आप को समझना, अपने बारे में जानना, वो पढ़ाई का एक सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मकसद है। और हारमोनियस डेवलपमेंट, जैसे कि गांधी जी कहते हैं, ध्यान देना, उनकी एजुकेशन की बहुत प्यारी डेफिनेशन है, वो बोलते हैं, बाय एजुकेशन वी मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। एजुकेशन का मतलब है एक इंसान पहले से ही उसके अंदर बहुत नॉलेज है, बस हमें उसके अंदर से जो बेस्ट है उसको बाहर निकालना है और उसे प्रॉपर तरीके से क्या करना है, उभारना है, ताकि वो अपने इंसान अपनी बॉडी को, माइंड को और अपने सोल को जान पाए। उसका मॉरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट करनी है, उसको एक अच्छा नागरिक बनाना है। जैसी हमारी पढ़ाई होगी, जैसा हमारा पढ़ाई का सिस्टम होगा, उसी तरीके से हम एक अच्छे नागरिक बन पाएंगे। और एजुकेशन फॉर द लेजर, कुछ लोग अपने आत्मज्ञान के लिए पढ़ते हैं, और जो लोग अपने आत्मज्ञान के लिए पढ़ते हैं असली में पढ़ाई वही लोग कर रहे होते हैं, बाकी तो बस दुनिया के खेल में क्या कर रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है एजुकेशन के, ध्यान देना। पहला, हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें पूछ ली जाती है, आता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन UGC, जो आपका एग्जाम भी कंडक्ट करती है 1948 में, इसको चेयर किया था डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। उसके बाद आता है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 में, जिसको हेड करते हैं डॉक्टर मुदलियार और वो इसके चेयरमैन होते हैं। देन हम बात करेंगे नेशनल एजुकेशन कमिटी, जिसने जिनके अंडर हुई थी ये डॉक्टर आपका राधाकृष्णन और वो इसके चेयरमैन थे, और कोठारी कमीशन। अब इन पॉलिसीज ने डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट तरीके की जो चीज़ें हैं वो इन्होंने बताई। अब वो क्या है, उसका निचोड़ हम समझते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, मॉरिसन कहते हैं जो मेन प्रोपोनेंट है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, कि यहाँ मैं चीज़ों को अंडरस्टैंड कैसे करना है, कैसे समझना है। ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे सीधे मार्क करने के लिए बोली जाती है। जैसे आप सबसे पहले मेमोरी, एक सेकेंड अभी समझते हैं बच्चे, जैसे हम ऑब्जेक्टिव्स जान रहे थे, अब हम इसका निचोड़ समझेंगे, ये क्या समझाते हैं। देखो ध्यान देना, यहाँ पे एक वर्ड है जिसका मतलब है पेडागॉगी, अभी मैं मतलब समझाती हूँ। दूसरा है एंडागॉगिकल, ध्यान देना, बहुत बार ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि इसका मतलब क्या होता है। जो आपका पैडागॉगी होता है वो होता है इंस्ट्रक्टर या टीचर सेंटर्ड, जैसे पुराने ज़माने में होता है, जहाँ पे टीचर एक एक्टिव रोल प्ले करते हैं और स्टूडेंट्स एक पैसिव रोल प्ले करते हैं। इसका मतलब इंपॉर्टेंट प्लेस किसकी होती है, टीचर की, और जो एक स्टूडेंट होता है उसकी चॉइसेस की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है। और दूसरा हमारा होता है एंडागॉगिकल, जहाँ पे एक स्टूडेंट की चॉइसेस की ज़्यादा चॉइसेस होती है, इंपॉर्टेंस होती है, एक बच्चा कैसे सीखता है, कैसे पढ़ता है, क्या चीज़ें उसको सही लगती है, क्या चीज़ें उसको अच्छी लगती है, क्या चीज़ें उसको समझ आती है, वो चीज़ हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। इसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। ऑब्वियस सी बात है, हम ये वाला सवाल क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे, क्योंकि एग्जाम में हर बार यहाँ से एक सवाल आता है, मतलब 2 से 4 मार्क्स आपके इस पर्टिकुलर चीज़ से आ जाते हैं, सो दिस वन बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब स्टार्ट करते हैं इस वाले को,
यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग्स है। जैसे सबसे पहला है मेमोरी लेवल। देखो मैं आपको सिंपल एग्जांपल्स के बताऊंगी। ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स है, आपको बहुत भूख लगी है, आप क्या करोगे, खाना खाओगे। बहुत प्यास लगी है, आप पानी पियोगे। यहाँ पे सिर्फ आप चीज़ों को क्रैम कर रहे हो। आपकी सीधी सी चीज़ें आपने स्टार्ट की, आपको मैंने कुछ कलर्स के नाम बताए, आपने वो कलर्स के नाम याद रखे, मतलब रट्टा मारने वाली बात है। अभी वो चीज़ें आपको समझ नहीं है, आपने बस रट्टी है। जैसे एक छोटा बच्चा मैक्सिमम वो चीज़ें क्रैम करता है ना, उसको पता नहीं होता उसका मतलब। लेकिन जब उस एक इंसान की थोड़ी सी मेमोरी क्या हो जाती है, डेवलप होती है, वो चीज़ों को समझता है। अच्छा, कलर्स नेम, ये कलर ये है, इस कलर का ये फ्रूट होता है, इस कलर की ऐसे बात हो रही है, इसका मतलब हम कोई चीज़ समझ रहे हैं। यहाँ पे कोशिश की जाती है एसे टाइप और जो ऑब्जेक्टिव टाइप चीज़ें होती है क्वेश्चंस, वो अक्सर पूछ लिए जाते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा अच्छी जो आपकी होती है लेवल, वो होती है रिफ्लेक्टिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप चीज़ों को समझते भी हो, जानते भी हो और रिफ्लेक्ट भी करते हो। जैसे मैंने आपको समझाया एयर पोल्यूशन, या मैंने आपको एनवायरमेंट के बारे में बताया, फिर आप अपने वर्ड्स में भी लिख पाओगे, अच्छा पोल्यूशन के ये रीजंस होते हैं, ये अर्बनाइजेशन, ये हम जो पेड़ पौधे काट रहे हैं, ये चीज़ें हैं। तो इसमें क्या क्या आता है, आपका एसे टाइप एवोल्यूशन आते हैं, एटीट्यूड बिलीफ आती है, और ये बेस्ट फॉर्म ऑफ एजुकेशन, बेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग मानी जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बच्चे की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर लेवल पे डेवलप हो चुकी होती है, वो प्रॉपर लेवल पे क्या कर रहा है, चीज़ें सीख रहा है, समझ रहा है। तो आपका क्या क्या है, ध्यान दीजिए, मेमोरी लेवल हर्बर्ट ने दिया है, अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका मॉरिसन ने दिया है, और सबसे जो बेस्ट होती है वो है रिफ्लेक्टिव लेवल, जो किसने दिया, हंट ने। मेमोरी लेवल हर्बर्ट के साथ जोड़ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन के साथ, रिफ्लेक्टिव लेवल हंट के साथ। ये बहुत बार मैच ऑफ द फॉलोइंग में आता है। सो इस चीज़ को आपने क्या करना है, ध्यान देना है। इसके बारे में हम बाद में समझेंगे कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है। देखो हम इंस्ट्रक्ट करते हैं ना, एक टीचिंग बहुत डिफरेंट चीज़ है। टीचिंग एक खुद में बहुत डायनेमिक चीज़ है। टीचिंग खुद में एक सर्वपूर्ण है। लर्निंग टीचिंग सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं है, हर चीज़ लाइफ का, हर पर्सपेक्टिव। लेकिन इंस्ट्रक्शन का सिर्फ मतलब होता है जब हम किसी को इंस्ट्रक्ट करते हैं या गाइड करते हैं। जैसे एज अ टीचर मैं आपको बोलूंगी, प्लीज कीप साइलेंस, डू दिस और डू दैट, दिस इज योर सिलेबस, अंडरस्टैंड दिस, ये चीज़ें, ये प्रॉपर टीचिंग नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्लासरूम चीज़ें भी आएगी और क्लासरूम से आउटसाइड भी आएंगी। आप किसी कोर्स में जा रहे हो, वहाँ पे आपको कोई भी इंस्ट्रक्ट कर रहा है, आपका योगा ट्रेनर है, आपका जिम ट्रेनर है, वो भी आपके क्या बन जाते हैं, इंस्ट्रक्टर बन जाते हैं। टीचिंग और ट्रेनिंग में डिफरेंस है। टीचिंग एक बहुत वास्ट चीज़ है, टीचिंग एक दिल से जुड़ी हुई चीज़ है, ट्रेनिंग सिर्फ किसी जॉब या किसी टेक्निकल स्किल को सीखने की बात है। आपको डांसिंग सीखने का है, आपको अच्छे से पढ़ाना सीखने का है, लेकिन टीचिंग खुद में एक बहुत डायनेमिक, खुद में एक बहुत वास्ट चीज़ है। ध्यान देना इस वर्ड के बारे में, एग्जाम में ये बहुत बार पूछा है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये स्पेशली डाला है, दैट इज इंडोक्रेटाइजेशन। इंडोक्रेटाइजेशन का मतलब होता है हाइएस्ट ऑर्डर ऑफ टीचिंग, जहाँ पे एक जो बिलीव्स होते हैं, आइडियाज होते हैं, वो इम्प्रेस्ड होते हैं। जैसे मैंने आपको कोई चीज़ समझाई, आपको वो चीज़ समझ आई, अपने लेवल पे आप उसको क्या कर रहे हो, फिर सीखने की कोशिश कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, उसे क्या बोलेंगे, इंडोक्रेटाइजेशन। इसका सिंपल मीनिंग पूछ लिया जाता है, अभी 2020 और 2019 के पेपर में भी इसका मतलब पूछ लिया गया था। अब जो हमारे लिए आज का बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, दैट इज मैक्सिमाइज ऑफ टीचिंग, कैसे हम एक बेटर टीचर बन सकते हैं, बिकॉज आपसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। बिकॉज टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन में आपसे जितनी भी चीज़ें पूछी जाती है, वो सिचुएशन बेसिस होती है, क्रैम नहीं होती है, रटाफिकेशन नहीं होती है, वो चीज़ें इस तरीके से पूछी जाती है ताकि अगर आप एक टीचर बनो तो आप भी एक बेहतरीन टीचर बन पाओ। मैक्सिमाज होते हैं, जैसे जब भी हम चीज़ें समझा रहे हैं, मैक्सिमा का मतलब होता है जो हमने बहुत टाइम से देखा कि अच्छा ये एक पढ़ाने के बेस्ट तरीके है, उसको हम मैक्सिमाज बोलेंगे। जैसे चीज़ों को सिंपल से कॉम्प्लेक्स लेना, पहले एक बच्चे को सिंपल चीज़ें सिखाओ, पहले आप बच्चे को क्या कलर्स के सिंपल नेम्स सिखाओगे, बाद में कलर्स के साथ उनका एक रिश्ता बनाओगे, ये कलर यहाँ पे यूज़ होता है। पहले एकदम सिंपल चीज़ें सिखानी है, पहले उनको वो चीज़ें सिखानी है जिनके बारे में वो जानते हैं, उसके बाद में वो चीज़ें जिनके बारे में वो बेचारों को नहीं पता है। फ्रॉम सीन टू अनसीन, जिन चीज़ों को देख पाते हैं,
जैसे आपने उनको कोई किताब दिखाई, कोई टेबल दिखाया, चेयर दिखाया जिसको देख सकते हैं, यूनिवर्स को तो नहीं देख सकते। हाँ, लैपटॉप में हम किसी का दिखा सकते हैं, कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं, लेकिन एग्जैक्टली तो नहीं देख सकते हैं। फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, जो चीज़ों को हम छू सकते हैं उनसे उनकी नॉलेज आहिस्ता आहिस्ता बहुत प्यार से डेवलप करनी है उन चीज़ के लिए जिनको हम छू नहीं सकते, जैसे हैप्पीनेस, फीलिंग्स, हमारा सैडनेस, एंगर, हमारे इमोशंस, हमारे करेज, हमारा मोटिवेशन और पर्टिकुलर टू जर्नल। कैसे एक बच्चे को आराम से एप्पल के फायदे बताने हैं और बाद में उसको जर्नल बताना है कि एप्पल हमें कैसे बेनिफिट करता है। होल टू पार्ट, पहले हम उसे एक पेड़ बताएंगे, ये एक ट्री है, उसके बाद ये क्या है, ये उसके लीव्स है, ये उसकी ब्रांचेस है, ये उसका स्टेम है, ये उसके रूट्स है, ये उसके फ्लावर्स है, ये उसका फ्रूट है, और कोई भी एक ऐसी चीज़ जो डेफिनेट है उसको इनडेफिनेट तक समझाना कि ये देखिए, ये समझिए, ये जानिए। तो ये मैक्सिमास होते हैं और टीचिंग लर्निंग में ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, पहले ऐसा नहीं है आप बच्चे को बोलोगे 5 + 5 10 होता है, कैसे समझेगा? पहले हमें उसे 1 to 10 तक समझाना है, 1 to 100 तक समझाएंगे, 1 to 100 उसकी काउंटिंग कराएंगे, फिर उसको 2 का टेबल सिखाएंगे, फिर उसको 3 का टेबल सिखाएंगे, 4 का टेबल सिखाएंगे, फिर उसको ऐड करना सिखाएंगे। हम डायरेक्टली उसको ऐड करना नहीं सिखाएंगे, तो हमें सिस्टमैटिकली चलना है। एनालिसिस टू सिंथेसिस, ध्यान देना, एनालिसिस में होता है जब हम चीज़ों को ब्रेक करते हैं और सिंथेसिस में होता है जब हम चीज़ों को जोड़ते हैं। एनालिसिस में होता है एक एक पार्ट को डिवाइड करके समझना, और सिंथेसिस में क्या होता है, सभी पार्ट्स को जोड़ के समझना। फॉलो नेचर, एक बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, एक बच्चा कैसे सीख पाता है, एक बच्चा कैसे ज़्यादा समझ पा रहा है, उस चीज़ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या देंगे, ध्यान देंगे। ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, ऑब्वियसली बात है आपने ये बात सुनी होगी, समझी होगी, जब भी हमारे ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं तब हम ज़्यादा सीख पाते हैं, ज़्यादा समझ पाते हैं। इन द सेम मैनर, जब एक बच्चा, जब उसको जैसे उसको कोई म्यूजिक सुनाई दे रहा है, वो डांस भी कर रहा है, उस चीज़ को सीख भी रहा है, पेंटिंग कर रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख पाएगा। और डेल्टन हमेशा इस पर एम्फेसिस देते हैं कि एक बच्चे को सेल्फ स्टडी का एम्फेसिस करो, उसको एनकरेज करो कि वो चीज़ें खुद से सीखे और खुद से चीज़ों को क्या करे, समझे, जाने, ताकि वो और बेटर तरीके से क्या कर पाए लाइफ में, चीज़ों को अच्छे लेवल पे अंडरस्टैंड कर पाए। और मैक्सिमास से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इस चीज़ पे भी क्या करना है, अपना ध्यान देना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। अब देखो, एज अ टीचर हमारे हमेशा कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसपे हम हमेशा ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए वो चीज़ें क्या होती है, बच्चा, इंपॉर्टेंट होती है। जब भी हम एक क्लासरूम को डील करते हैं, मैंने आपको बताया आपके 3 ऐसे कंपोनेंट्स जहाँ पे हमेशा चीज़ें सिचुएशन बेस्ड, आपसे ऐसे डायरेक्टली चीज़ें नहीं पूछी जाएगी, आपसे पूछ लिया जाएगा। आप एक टीचर हो और आप बताइए ऐसी क्लासरूम में कौन सी टीचिंग मेथड बेस्ट रहेगा, लर्निंग बाय डूइंग, नेचुरल और सेल्फ एक्टिविटी बेस्ड, या नन ऑफ द एबो। आपको जितना भी रट्टा आएगा वहाँ पे वो रट्टा मारना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑप्शंस आपको लगेंगे कि सभी ऑप्शंस क्या है, एकदम करेक्ट है। अब हम प्रिंसिपल्स देखते हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन। हम चीज़ों को क्रिएट करते हैं, हम वैसा एनवायरनमेंट बनाते हैं पढ़ाई का जहाँ पे एक बच्चा जो है वो प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझ पाए। एक टीचर हमेशा बच्चों के साथ कोऑपरेट करेगा, उन्हें मोटिवेट करेगा। अगर वो चाहेगा कि सिर्फ मैं डंडे के मार पे स्ट्रिक्ट रूल चलाऊं, उससे लॉन्ग टर्म के लिए एक बच्चा जो है वो मोटिवेट नहीं होगा और उसकी लाइफ में चेंज क्रिएट नहीं होगी। डेमोक्रेटिक डीलिंग, जब भी हम एक बच्चे से डील करते हैं तो हमें क्या करना है, प्रॉपर तरीके से उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उसे इडियट या अननेसेसरी वर्ड्स यूज नहीं करने हैं जिनसे वो डिमोटिवेट हो जाए। हमें बच्चे को एक तरीके से मोटिवेट करना है, जैसे कि फ्रॉबिन हमेशा कहते हैं कि हमें एक लर्निंग बाय डूइंग का मेथड ढूंढना है। हम जैसे बच्चे को खाना बनाना सिखा रहे हैं तो हमें क्या करना है, उसको वो चीज़ें प्रैक्टिकली सिखानी है। रंगोली बनानी है तो प्रैक्टिकली सिखानी है, चार्ट्स या मॉडल्स में उसको वो चीज़ें दिखानी है। और इंटरेस्ट, ऑब्वियसली बात है किसी बच्चे को म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है, म्यूजिक सिखाओगे तो ऑब्वियसली बात उसको अच्छे से लर्न करेगा, बट आप उसको डांसिंग सिखाओगे वो उसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं है। और जब भी हम उसे कोई चीज़ समझाते हैं
या पढ़ाते हैं वो रियल लाइफ के साथ क्या होनी चाहिए, लिंक होनी चाहिए, रियल लाइफ के साथ क्या होना चाहिए, उसकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ताकि रियल लाइफ में वो चीज़ें क्या हो पाए, उनका मतलब आ पाए। और हमारा अगला टॉपिक है माइक्रो टीचिंग। बहुत ध्यान देना, ये सवाल तो हर साल पूछा जाता है, डेफिनेटली इस साल भी पूछा जाएगा। तो 2 मार्क्स आपके यहाँ से या 4 मार्क्स गिन के यहाँ से आपके लिए जाएंगे। तो इस पे भी हम क्या कर लेते हैं, स्टार लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है, माइक्रो टीचिंग। देखो, पहले आपको ध्यान देना है, ये हम स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा रहे हैं, ये टीचर ट्रेनिंग है। बस यही एक लाइन पूछ ली जाती है कि माइक्रो टीचिंग इज, मैक्सिमम लोग लगाते हैं स्टूडेंट, बट ये क्या है, एक आपका माइक्रो टीचिंग का मतलब होता है जहाँ पे हम टीचर्स को ट्रेन करते हैं। ये क्या है, एक ट्रेनिंग टेक्निक है जहाँ पे हम टीचर्स को सिखाते हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। अभी आपने नई एजुकेशन पॉलिसीज के हिसाब से, या आपने बीएड में देखा होगा, खासकर ये चीज़ें बीएड वगैरह में, एमएड में यूज़ की जाती है, जहाँ पे टीचर्स को, ताकि वो क्लासरूम में और बेटर परफॉर्म कर पाए, माइक्रो टीचिंग, माइक्रो क्लासेस होती है, जहाँ पे वो किसी चीज़ को प्लान करते हैं, टीच करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और जो उनका पैनल होता है। अब यहाँ पैनल कौन होगा, ये टीचर्स कौन होंगे, जो उनके रियल टाइम टीचर्स होंगे। जैसे आप बीएड कर रहे थे, सपोज आपके जो वहाँ पे स्टाफ होगा वो आपको ऑब्जर्व करेगा और आपको बताएगा कि आपने कौन सी चीज़ अच्छी की, कौन सी सही की। सबसे पहले हम किसी एक चीज़ को प्लान करेंगे और 6 से 10 मिनट की ये एक्चुअल टीचिंग होती है। फिर हम पढ़ाएंगे और जो टीचर्स है वो ऑब्जर्व करेंगे, वो क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि हम सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं। अगर कोई कमी पीछे छूट गई है तो वो क्या करेंगे, रीप्लान करेंगे, हम नए से उस चीज़ को बनाएंगे। पहले हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने किसी चीज़ को प्लान किया। जैसे मुझे एनवायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ाना है, मैंने एक प्रॉपर प्लान बनाया और मैंने पढ़ाया, और जो मेरे टीचर्स थे उन्हें क्या किया, ऑब्जर्व किया, देखा कि मैं सही पढ़ा रही हूँ कि नहीं। अगर कुछ कमियां थी तो मैंने क्या किया, रीप्लान किया, रीटीच किया, और टीचर्स ने री ऑब्जर्व किया, और वो मुझे क्या देते जा रहे हैं, फीडबैक, जिससे मैं और बेटर क्या कर पा रही हूँ, ऑब्जर्व कर पा रही हूँ, नए तरीके से सीख पा रही हूँ। इसके बाद हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट फिलॉसफी एक साइकोलॉजिस्ट की समझेंगे, जो जिनका नाम है ब्लूम्स क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग। पूछ ली जाती है बच्चे, इसीलिए हम इसको ध्यान से देखेंगे। ब्लूम्स क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं आपके टीचिंग और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को अपने तरीके से। जैसे वो बात करेंगे कॉग्निटिव डोमेन की, बात समझना, ये जो बाकी छोटे छोटे ये इसके पार्ट्स हैं, मेन वो करते हैं, बात करते हैं कॉग्निटिव डोमेन की, अफेक्टिव डोमेन की, और साइकोमोटरिक डोमेन की। ये 3 डिवाइड्स है, इन 3 डिवाइड्स में भी अंदर कुछ अलग पार्ट्स हैं। जैसे मैं बताती हूँ, हम कॉग्निटिव वर्ड का मतलब होता है जो हमारे माइंड के साथ रिलेटेड होता है, जो थिंकिंग और नॉलेज के साथ डिवाइडेड होता है, वो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी की बात करते हैं। और बाद में जो अपने बात करेंगे अदर डोमेन्स में, अफेक्टिव एंड साइकोमोटरिक की। सबसे पहले हम उनके कॉग्निटिव डोमेन में देखेंगे कौन से एलिमेंट्स आते हैं। किसी चीज़ को सीखना, नॉलेज, रिकॉल करना, कॉम्प्रहेंशन, किसी चीज़ के मतलब को जानना, उसको रियल लाइफ में अप्लाई करना और उस पर एनालिसिस करना, ब्रेक करना, क्या यूजीसी जीआरएफ क्वालिफाई करने के बाद मेरी लाइफ ऐसी होगी, वैसी होगी, मुझे कैसे बेटर तरीके से करना है, और सिंथेसाइज करना, सभी चीज़ों को समराइज करना, अच्छा ये बेस्ट पॉइंट्स है, ये मैं जीआरएफ करने के बाद कर सकता हूँ, और इवैल्यूएट करना, देखना कि जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ सही भी है कि नहीं। अब इन्हीं के एक स्टूडेंट थे, ध्यान देना, ये हम कॉग्निटिव डोमेन की बात करें, इनके 3 डोमेन्स है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटरिक। अभी हम कॉग्निटिव डोमेन की ही बात कर रहे हैं। इन्हीं के इस मेथड को इनके एक स्टूडेंट थे एडरसन और डेविड कैथवेल, जो रीअरेंज करते हैं। ध्यान देना, रिमेम्बरिंग होता है रिकॉल करना पुरानी चीज़ों को, अंडरस्टैंड होता है समझना, अप्लाई होता है उसको रियल लाइफ में यूज करना, एनालाइज होता है उसको ब्रेक करके समझना, इवैल्यूएट होता है जजमेंट करना, और क्रिएटिंग होता है, जैसे मैंने आपको सिखा दी कोई रेसिपी, आपने वो रेसिपी सीखी, अब आपने खुद से बनाई, उसमें खुद से अपने टेस्ट के हिसाब से कुछ चीज़ें डाली, तो आप क्या कर रहे हो, क्रिएटिंग। दूसरा इनका अफेक्टिव डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन में ये क्या बात करते हैं कि हमारे अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए सुनने की। आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, आपके अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए चीज़ों को सुनने की, समझने की, जानने की, रेस्पॉन्ड करने की, आपका पार्टिसिपेट करने का। अब आपको ऐसे सेमिनार में डाल दिया जहाँ पे आपको कोई चीज़ समझनी नहीं है, जाननी नहीं है, क्या उस चीज़ का कोई मतलब है, नहीं।
वेलबींग करना, आप उस चीज में इन्वॉल्व हो, विलिंगनेस हो, और ऑर्गेनाइज करना, आप भी अपना आइडिया दे रहे हो, आप भी बोल रहे हो अच्छा हम ऐसे सेव कर सकते हैं सॉइल को, एनवायरमेंट को ऐसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ऐसे ये चीजें कर सकते हैं, और कैरेक्टराइजेशन करना ऐसे एक इंसान के बिहेवियर में कि वो चीज मुझे कैसे चेंज कर रही है, वो चीज मेरी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट डाल रही है, और मेरी लाइफ में मुझे ग्रो करने में कैसे हेल्प कर रही है। हम बात करेंगे इनका जो तीसरा है और लास्ट है, दैट इज साइकोमोटरिक। देखो फिजिकल और मेंटल, वो आपको एरिस्टोटल की एक बहुत इंपॉर्टेंट याद है नोशन, साउंड माइंड लाइज इन अ साउंड बॉडी। जितना हम फिजिकली फिट होंगे उतना हम मेंटली और स्पिरिचुअली क्या करेंगे, ग्रो करेंगे इन अ वेरी ऑसम वे। ये बोलते हैं साइकोमोटरिक डोमेन, जहाँ पे हम नई स्किल्स सीख सकते हैं। हम देखो अब एक ऐसा अच्छा टीचर है, आपको कुछ पढ़ा रहा है, आप क्या करोगे, सीखोगे, इमिटेट करोगे, मैनिपुलेट करोगे अपने तरीके से उसको और ग्रो। आपने सीख लिया कार कैसे बनानी है, अब आप उसको अपने हिसाब से डिजाइन करोगे प्रिसीजन, क्या उसको आप कोशिश करोगे उसकी प्रैक्टिस करके उस चीज़ को और बेटर किया जाए और बेस्ट परफॉर्म किया जाए। आर्टिकुलेशन आप उसको और प्रैक्टिस करते जाओगे, उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करोगे, और नेचुरलाइजेशन के खुद को उस सांचे में डालोगे ताकि आप नेचुरली उन चीज़ों को समझ पाओ। इसके बाद अभी तक हमने क्या देखा था, अभी तक हम ब्लूम्स की जान रहे थे कि ब्लूम्स का कैसा तरीका था, अब हम देखेंगे गैंग एंड ब्रिक्स की क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम बहुत आराम से जानेंगे, बहुत सहजता के साथ जानेंगे कि कैसे वो क्या कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि कैसे चीज़ों को सीखा जाता है। सबसे पहले होती है इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज, जो हमारे माइंड के साथ रिलेट होती है, हमारे एनवायरनमेंट को डील करने में हमें हेल्प करती है। जैसे दे इंक्लूड कंसेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके बाद हमारी कॉग्निटिव स्ट्रैटेजी, जो हमारे माइंड के साथ हम कैसे सोचते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे लर्न करते हैं, और हमारी वर्बल इंफॉर्मेशन, हमारी वर्ड्स की इंफॉर्मेशन, हम कैसे वर्ड्स को जानते हैं, कैसे वर्ड्स को समझते हैं, मोटर स्किल्स, हम अपने माइंड को कैसे यूज करते हैं, हम कैसे अपनी चीज़ों को यूटिलाइज कर पाते हैं, हम कैसे फिजिकल एक्टिविटीज से अपने जो हमारे मोटिव्स है, हमारे जो वर्क्स है, जो हमारे टारगेट्स हैं उनको पूरा करते हैं, और हमारा एटीट्यूड, हमारी इंटरनल जो स्टेज है माइंड की वो। अब ये इनका पूरा चार्ट था जो इम्पोर्टेंट मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है। ध्यान देना यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बेसिक समझाऊंगी। एक है आपका मिक्सड स्ट्रैटेजी, लर्नर सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड में आपकी वही पुरानी वाली टीचर चीज़ें, जैसे आपका लेक्चर्स हो गए, टीम टीचिंग हो गया, टीवी और रेडियो। लेकिन आपकी मिक्सड स्ट्रैटेजी में ग्रुप डिस्कशन, जहाँ पे आप डिस्कस कर रहे हो, सेमिनार्स है, पैनल डिस्कशन है, ब्रेन स्टॉर्मिंग है, प्रोजेक्ट मेथड है, ट्यूटोरियल्स है, केस स्टडी है, रोल प्ले है, और इंडिविजुअलाइज, जहाँ पे एक कोशिश की जाती है कि एक इंसान अपने लेवल पे चीज़ों को सीखे, अपने लेवल पे समझे। जैसे कि एक बच्चे को ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, ट्यूशंस मिलेगी, असाइनमेंट्स प्रॉपर तरीके से दी जाएगी, और प्रोजेक्ट वर्क कि जहाँ पे वो अपने तरीके से चीज़ें सीख पाए। और यहाँ पे एंड में आप देख सकते हो ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है खुद से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ताकि आपके अंदर जो वो एफिशिएंसी है वो क्या हो, आप बेटर तरीके से उसको सीख पाओ। अब हम इनको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ताकि क्योंकि इन डेफिनेशन से चीज़ें पूछ ली जाती है, अगर आपके एग्जाम में कोई चीज़ आए वो आपसे नहीं छूटे, और आप अपना क्या कर पाओ, एक बेस्ट लेवल का परफॉर्मेंस दे पाओ। आप ध्यान देना, क्योंकि ये वर्ड्स आपसे पूछ लिए जाते हैं। सेमिनार का मतलब होता है काइंड ऑफ ग्रुप, आपका ग्रुप डिस्कशन है या मीटिंग है, जहां पे क्या होता है, आप एक पर्टिकुलर टॉपिक, ध्यान देना डिफरेंसेस, एक गिवन टॉपिक होगा, इशू होगा या प्रॉब्लम होगी, जो आप प्रेजेंट करोगे पूरे ग्रुप के पास, और उसको हम डिस्कस करेंगे, और उस चीज को हम क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से समझेंगे। इसके अलग क्या है, पैनल डिस्कशन। यहाँ पे क्या होगा, एक स्मॉल ग्रुप होगा 6 से 8 लोगों का, सेमिनार बहुत बड़ा भी हो सकता है, उनके पास ऑलरेडी क्या होगा, एक गाइडेड और इनफॉर्मल डिस्कशन होगा, जहाँ पे जो क्या होगा, एक जो पैनल है, डिस्कस टेक्स प्लेस इन इशू ऑन क्लाइमेट चेंज। एक इशू है क्लाइमेट चेंज पे, कुतो उस पर क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से वो बात करेंगे। देन आता है ब्रेन स्टॉर्मिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या करते हैं, जैसे आपके बहुत सारे टीचर्स हैं, ये बहुत बड़े होते हैं ना फ्रेंड्स, आप टीचर छोड़ो, यहाँ पे फ्रेंड्स की बात करते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपसे बात कर रहे हैं किसी विषय पे, ठीक है,
क्या होगा, आप सभी फ्रेंड्स बैठे हो, कोई चीजें समझ रहे हो, कोई चीजें जान रहे हो, कोई फ्रेंड आपको थोड़ा सा सोशल स्टडीज के बारे में बताता है, कोई आपको मैथमेटिक्स के बारे में बता रहा है, कोई हिंदी के बारे में बता रहा है, मतलब आप एक ही टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज को एकदम फटाक से जान पा रहे हो, क्योंकि जो भी आपका फ्रेंड उसमें बेस्ट है वो आपको अपने बेस्ट समराइज पॉइंट बता रहा है। इट मीन्स वो क्या हो रही है, ब्रेनस्टॉर्मिंग। और प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्राइब एक स्मॉल ग्रुप में, इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है। इस मेथड में क्या होता है, एक स्टूडेंट को एलो किया जाता है एक्सपीरियंस करना, जैसे मैंने आपको बोला सेम सॉइड प्रोजेक्ट है उस पर आपको काम करना है। इट मीन्स आप जाओगे, समझोगे, देखोगे और प्रैक्टिकली खुद से क्या करोगे, चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे। रोल प्ले, झांसी की रानी, छत्रपति शिवाजी, इनका हम इम्पॉर्टेंट हमेशा देखा जाता है। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के रोल प्ले करने के लिए बच्चों को बोल देते हैं, उससे क्या हो जाता है, वो बच्चा उस एक रोल के बारे में ज़्यादा अच्छे से जान पाता है, समझ पाता है, और मज़े मज़े में, मतलब वो उस चीज़ को इंजॉय भी कर रहा है और वो सीख भी रहा है। स्टिमुलेशन होता है, वैसी कंडीशंस क्रिएट करो। स्टिमुलेशन, जब भी हम किसी चीज़ पे एक्ट करना चाहते हैं, रिस्पॉन्स करना चाहते हैं, आप वैसा एक तरीका क्रिएट करो। आप क्या करो, ट्रेनिंग्स करते हो पायलट्स की, एस्ट्रोनॉट्स की, आप उस चीज़ को उस एनवायरमेंट में डालो ताकि वो और ज़्यादा बेटर तरीके से सीख पाए। डिमॉन्स्ट्रेशन होता है चीज़ को प्रचलित करना, दिखाना, प्रदर्शित करना। जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको मैप दिखाना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, आपके सामने एक बहुत बड़ी पिक्चर मैप की, जिसमें इंडिया का प्रॉपर तरीके का मैप दिखाया गया होगा। इट मीन्स मैं आपको वो चीज़ें डिमॉन्स्ट्रेट कर रही हूँ ताकि आपकी मेंटल लेवल पे वो चीज़ें अच्छे से आप समझ पाओ, अच्छे से आप जान पाओ, और वो चीज़ों को आप बहुत ही बेटर तरीके से एनालाइज कर पाओ इन अ मोर बेटर वे। इसके बाद रिफ्लेक्टिव टीचिंग। रिफ्लेक्टिव टीचिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ लिया जाता है ये क्या है। सबसे बेस्ट टीचिंग, सबसे इन्हांस टीचिंग, जब एक बच्चा ना कि सब चीज़ों को सीखता है, समझता है, बट उसको रियल लाइफ में रिफ्लेक्ट करता है। आपको मैंने सिखाया क्लाइमेट चेंज क्या है, कैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कैसे ग्रीन हाउस गैसेस हो रहे हैं, कैसे मदर नेचर को इफेक्ट पड़ रहा है। आप क्या करोगे, आप अपनी रियल लाइफ में कोशिश करोगे आप वो चीज़ें रिपीट ना करो और बाकियों को भी उसके बारे में अच्छे से समझा पाओ और खुद भी ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आओ जो क्या कर रही है, मदर नेचर को सेव कर रही है। इट मीन जो आपकी लर्निंग है वो क्या है, रिफ्लेक्टिव है। आपका ह्यूरिस्टिक मेथड बहुत बार पूछ लिया गया है, ये प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया है। ये इन्होंने क्या किया था, एक लैब, एक स्टूडेंट्स की, वहाँ पे इन्होंने डिस्कवर किया था कि हम जब बच्चों को खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बोलते हैं, खुद से उसको सलूशन बोलने के लिए बोलते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर एक्ट करते हैं, ज़्यादा बेटर चीज़ों को समझा पाते हैं। ब्लेंडेड लर्निंग बहुत ध्यान से देना, ये एग्जाम में चीज़ें पूछ ली गई है बच्चे कि ब्लेंडेड लर्निंग क्या होता है। ब्लेंडेड लर्निंग में क्या होता है, जब ऑनलाइन लर्निंग फेस टू फेस लर्निंग में चेंज होती है, जैसे आप बहुत सारी क्लासेस लाइव स्ट्रीमिंग लेते हो, वहाँ पे आप टीचर के साथ कनेक्ट होते हो, तो उसे क्या बोला जाता है, ब्लेंडिंग लर्निंग। और आपका स्वयं प्रभा क्या है, बहुत ध्यान से, ये आपका एक 32 DTH चैनल्स का एक टेलीकास्टिंग है, जहाँ पे बच्चों को ऑनलाइन चीज़ें समझाई जाएगी, उनको बताई जाएगी, ताकि हम जो एक मतलब एक गैप है उन बच्चों के पास, जो जिनके पास टेक्नोलॉजी है, और उन बच्चों के बीच में जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उस चीज़ को कम करें, हटाए। उसके लिए हमारे पास क्या है, एक इंडिया का प्रोग्राम है जो टोटल फ्री है, जिसे हम कहते हैं स्वयं प्रभा। यहाँ पे 4 घंटे की क्लासेस रिपीटली रिपीट होती है 4-5 times a day, जहाँ पे बच्चों को डिफरेंट एजुकेशन प्रोग्राम्स के बारे में, हायर एजुकेशन के बारे में और कम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में पढ़ाया जाता है, और आपसे ये पूछ लिया जाता है। ये चैनल्स लिंक्ड है BISAG गांधीनगर से, और ये डिफरेंट से इग्नो, CEC, आपका UGC, IIT, इन सभी का जो मेन पोर्टल है उसके साथ भी कनेक्टेड है। और ये क्या है, एक प्रॉपर तरीके की हायर एजुकेशन भी पढ़ाई जाती है, ह्यूमैनिटीज़ पढ़ाई जाती है, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के कोर्सेज, आर्ट्स, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, और कोर्सेज विल बी सर्टिफाइड रेडी इन डिटेल ऑफरिंग थ्रू स्वैम। आप इस एक अकेले प्लेटफॉर्म पे ये सभी चीज़ों को क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो इन्हें बेटर तरीके से। और ये स्कूल एजुकेशन जो 9th-12th क्लास के बच्चे हैं उनको भी सब्जेक्ट्स पढ़ाती है, समझाती है, और ये क्या करती है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ताकि देखो, बहुत सारे बच्चे जो
पढ़ाई से छूट चुके हैं वो भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, और ये बच्चों को कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करवाती है कि कैसे आगे जाके चीज़ें पढ़नी है, कैसे आगे चीज़ें समझनी है और कैसे अपनी पढ़ाई को और बेटर करना है। अब आईसीटी बेस्ड टीचिंग क्या होती है, देखो मैं आपको इंटरनेट की हेल्प से, आपको ऑनलाइन बाकी सब चीज़ें मेल्स के थ्रू चीज़ें पढ़ा रही हूँ, तो वो क्या हो गया, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ चीज़ें कनेक्टेड है। इट मीन्स मैं आपके साथ क्या कर रही हूँ, टेक्नोलॉजी को कनेक्ट कर रही हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को कवर कर पाऊँ, कम से कम खर्चा हो और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से समझा पाऊँ बच्चों को, ताकि जो उनकी फॉर्म ऑफ लर्निंग है वो डिजिटल हो पाए और बेटर तरीके से हो पाए। उससे हम COVID-19 में तो ये सभी चीज़ें प्रैक्टिकल हुई है, तो हम सभी को इनके बारे में अच्छी खासी क्या है, नॉलेज है। जैसे ई लर्निंग है, ऑनलाइन लर्निंग है, ये सभी चीज़ के साथ क्या करती है, रिलेट करती है। अब हम पता है लर्निंग एक प्रोसेस है, एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे हम डिफरेंट चीज़ें सीखते हैं, समझते हैं, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है आज आप पढ़ रहे हो कल आप नहीं पढ़ रहे हो, ज़िंदगी हमेशा हमें हरदम सिखाती है। हम अपनी नई हुनर, नई चीज़ें, नई नॉलेज एक लर्निंग से ही सीखते हैं। लर्नर एक ऐसा इंसान जो कुछ सीख रहा है, स्टिमुलस जो उसे मजबूर कर रहा है कोई चीज़ करने पे, और एक इंटरनल कंडीशन कैसी है बच्चे की, वो खुद से कैसा मोटिवेट है, वो खुद से कितना लर्न करना चाहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और रेस्पॉन्स, जब भी उस एक्टिविटी का आप क्या करो, रिप्लाई करो, आपको बहुत भूख लगी आप खाना खा लिए, इट मीन्स वो क्या हो गया, आपकी भूख का रेस्पॉन्स हो गया। रिसेप्टेशन, जब आप किसी चीज़ को समझते हो, सीखते हो। रिटाइवल होता है, जब आप प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल करने की कोशिश करते हो। सेलेक्टिव होता है परसेप्शन, जब आप डिस्प्ले करते हो डिफरेंट फीचर्स को। सीमेटिक कोडिंग होती है, जहाँ पे आप क्या करते हो, एकदम सिस्टमैटिक वे में चीज़ों को समझते हो। रेनफोर्स होता है एनकरेज करना, जैसे आप क्लास में हो, मैं आपको बहुत बोलूँ, प्रेज करूँ, अप्रिशिएट करूँ, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपको प्राइजेस वगैरह दिए जाए, तो आप क्या होगे, और बेटर करने के लिए रेनफोर्स हो जाओगे। और जर्नलाइजेशन, जो भी चीज़ें आप सीख रहे हो मैं रियल लाइफ में क्या करूँगी, उसके साथ वो चीज़ें कनेक्ट कर पाऊँगी। फील्ड इंडिपेंडेंट वर्सेस फील्ड डिपेंडेंट आपके क्या होते हैं, ये तरीके के बच्चे। देखो जो फील्ड इंडिपेंडेंट है वो बच्चे खुद से चीज़ें सीखना चाहते हैं, वो खुद के स्फीयर में ज़्यादा बेटर कर पाते हैं। और जो फील्ड डिपेंडेंट होते हैं उनको ना सपोर्ट चाहिए होता है टीचर का, वो एक टीचर से ज़्यादा चीज़ें सीख पाते हैं एज़ कंपैरेटिवली। रिफ्लेक्टिव इम्पल्सिटिव, रिफ्लेक्टिव होते हैं जो चीज़ों को सोच समझ के रिफ्लेक्ट करते हैं। इम्पल्सिटिव होते हैं जो शायद उनका डिसीजन सही हो या नहीं हो, लेकिन वो एकदम से रिएक्ट करेंगे। विजुअल लर्नर्स होते हैं जो चीज़ों को देख के ज़्यादा समझते हैं, जैसे उन्हें अगर कोई मूवी देखी है, कोई कलर्स देखे हैं, वो चीज़ों को ज़्यादा देख के चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। और आपके ऑडियो टाइप के लर्नर्स वो होते हैं जिनकी जो चीज़ें सुन के ज़्यादा चीज़ें, जिनकी ऑडिटरी जो चीज़ें होती है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। विजुअल लर्नर्स में भी कैटेगराइज एज वर्बलिस्टिक, दे सी वर्ड्स एंड लेटर्स। और ऑडिटरी लर्नर्स, ऑडिटरी वो जो चीज़ें सुन के, मैं आपको कोई चीज़ बोल रही हूँ आप उस चीज़ पे क्या करोगे, सुन के ज़्यादा गौर फरमाओगे, ज़्यादा चीज़ें समझोगे। और मॉडल लर्नर्स वो जो फिजिकली वो चीज़ें करके प्रैक्टिकली, मैंने आपको डांस करने के लिए बोला, आप ऑब्वियसली बात है डांस को थ्योरी में नहीं करोगे ना, प्रैक्टिकली करोगे आपको और ज़्यादा तरीके से चीज़ें समझ आएगी। इंट्यूटिव होते हैं जो अपनी अंदर से चीज़ों को सीखते हैं। इंडक्टिव जो फैक्ट से जर्नल पे जाते हैं, और डिडक्टिव जो थ्योरी से इंडिविजुअल फैक्ट्स पे जाते हैं, और रिफ्लेक्टिव जो लोग खुद से चीज़ें समझ के जानते हैं। अब एडोलसेंस, ये हर किसी की लाइफ में एक एज होती है, स्टेज होती है, जहाँ पे हमारी लाइफ में बहुत सारी डिफरेंट चेंजेस आती है। जो आपकी लाइफ में अर्ली एडोलसेंस होता है 10 से 12 साल का होता है, जहाँ पे हम स्टार्टिंग में इस कन्फ्लिक्ट में आना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारी बॉडी भी चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती है, हमारी लाइफ थोड़ी थोड़ी चेंज होना स्टार्ट हो जाती है, हम अपने पीयर ग्रुप्स में ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं, पेरेंट्स से डिस्टेंस करना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद मिडल एडोलसेंस जो 12 से 16 साल का होता है, यहाँ पे बॉडी चेंजेस आ गई, अब जो जो लड़की है हमें पता है कि वो ज़्यादा जल्दी मैच्योर होती है, उनके पीरियड साइकिल स्टार्ट हो गए, बॉयज़ की जो वॉइस है वो भी चेंज होना स्टार्ट होती है। लेट एडोलसेंस में वो थोड़ा मैच्योर हो चुके होते हैं, अब वो फैमिली के पास रिटर्न आ चुके होते हैं, अब वो अपनी फैमिली को भी इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट करते हैं। पहले वो थोड़ा चिढ़ जाते हैं स्टार्टिंग टाइम में फैमिली से इन्वॉल्व होने में। देखो एडल्ट लर्नर्स, लाइफ इज बिजी, एडल्ट्स आर बिजी। यहाँ पे एडल्ट लर्नर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हमें कौन कैटेगराइज कर रहे हैं, मैलकॉम के एस किनॉल्स ये कहते हैं। देखो एडल्ट होता है जो बड़े, अब जो
पहले छोटे बच्चों को तो हर चीज़ बताई जाती है ना, ऐसे पढ़ो ऐसे करो, लेकिन एडल्ट लर्नर्स खुद से मैच्योर होते हैं, वो खुद से डायरेक्टेड होते हैं और वो लाइफ में अपने एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, उन्हें लाइफ में डिफरेंट एक्सपीरियंसेस कर लिए होते हैं। यहाँ पे बच्चा कुछ डिफरेंसेस है, जो एडल्ट लर्निंग लर्नर है वो टीचर पर डिपेंड होते हैं, एडल्ट खुद से डायरेक्टेड होते हैं, जो एडल्ट्स होते हैं वो चीज़ों को कॉम्प्लिकेट और कन्फ्लिक्ट में लेते हैं, लेकिन एडल्ट लर्नर्स चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। जो आपके एडल्ट लर्नर्स होते हैं वो स्लो होते हैं, एडल्ट लर्नर्स में वो ग्रास्पिंग पावर आ चुका होता है। एडल्ट लर्नर छोटी से छोटी चीज़ों पर रिएक्ट करते हैं, लेकिन जो एडल्ट लर्नर्स होते हैं वो खुद से मोटिवेटेड होते हैं, उनके अंदर वो चीज़ें जो है वो एक स्थिरता जो उनके अंदर आ चुकी होती है, एक बैलेंस आ चुका होता है। अब जो एक एडोलसेंस लर्नर्स है, ऑब्वियसली बात है, हमें बहुत प्यार से बहुत मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करना सिखाना है, और हमें एक एडल्ट लर्नर को क्या करना है और उसको बेटर पुश करना है ताकि वो चीज़ों को और बेटर तरीके से सीख पाए और समझ पाए। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन, सबसे पहले इवैल्यूएशन क्या होता है, देखो आप एक स्टूडेंट हो, आपके क्लास टेस्ट हो रहे हैं, यूनिट टेस्ट हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि चाहता है एक टीचर ये जानना कि एज अ स्टूडेंट आपको जो वो चीज़ें पढ़ाई जा रही है क्या आपको समझ आ रही है, वो क्या हो गया, आपका इवैल्यूएशन हो गया। सबसे पहले आपका जो इवैल्यूएशन होना चाहिए वो कंप्रेहेंसिव होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्क्स जज करने हैं, लेकिन आपकी डेवलपमेंट्स भी, कैसे आप ग्रो कर रहे हो, कैसे आप चेंज कर रहे हो, कैसे आपकी लाइफस्टाइल और बेटर कर सकते हो, और कंटिन्यूअस, ऐसा नहीं है आज मैंने आपसे क्लास में पूछ लिया और आपसे एक साल के बाद एग्जाम लिया जाएगा, तब तो आप कोई चीज़ रिपीट ही नहीं कर पाए हो, तब तो आप कोई चीज़ समझ ही नहीं पाए हो। जो आपकी क्या होती है इवैल्यूएशन, वो क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए। और टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन ध्यान देना, इस पर हमेशा बच्चे सवाल पूछते हैं। प्लेसमेंट होता है स्टार्टिंग में ही, आपने कहीं पर एडमिशन लेनी है उस कॉलेज का एक स्टार्टिंग का कोई क्राइटेरिया, जैसे आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करते हो उसके बाद आपको पीएचडी की एडमिशन मिलती है, इट मीन्स आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई करना क्या हो गया, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन हो गया। एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना क्या हो गया, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन हो गया, जो आपने स्टार्टिंग से ही किया। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है कंटिन्यूअसली, जैसे मैं क्लास में टेस्ट ले रही हूँ, आपसे सवाल पूछ रही हूँ, ये एक लॉन्ग प्रोसेस और कंटिन्यूअस है, इट मीन्स हम बच्चे को टाइम टू टाइम चीज़ें समझ रहे हैं कि बच्चा कैसे ग्रो कर रहा है, कैसे सीख रहा है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होती है जहाँ पे हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, लेबल करने की नहीं कि तू गलत है तू सही है ये सही है, हम बच्चे को कोशिश करते हैं वो रियल लाइफ में इम्प्रूव कर पाए। बच्चे की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, हम कोशिश करेंगे उसको डिफरेंट पेजेस लिखने के लिए दे दें। बच्चा बोलने में हेजिटेट करता है, हम उसको मोटिवेट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि वो बोल पाए। और सुमेटिव होता है जो एंड पे पूछा जाता है, जहाँ पे आपके ग्रेड्स वगैरह या आपको क्लासेस में प्रमोशन होता है, जैसे आपने 10th क्लास के एग्जाम्स दिए अब आप 12th में आ जाओगे, 10th क्लास 9th क्लास के एग्जाम्स दिए अब आप लोग 10th में आ जाओगे। देखो बच्चे, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में हम दो टर्म्स का और यूज़ करते हैं, एक तो हार्डवेयर हो गया और आपका क्या हो गया सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर हम बोलेंगे जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया, ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गए, ये आपको मैं सारे रिसर्च में फिर से समझाऊंगी क्योंकि ये चीज़ें बहुत बार पूछ ली जाती है। टीचिंग मशीन्स हो गए, टेलीविजन हो गया, स्मार्टफोन्स हो गए, वो हो गया हार्डवेयर अप्रोच। अब सॉफ्टवेयर हो गया जहाँ पे हम न्यूज़पेपर्स का यूज़ कर रहे हैं, बुक्स का यूज़ कर रहे हैं, मैगजीन्स का यूज़ कर रहे हैं, गेम्स का यूज़ कर रहे हैं, फ्लैश कार्ड्स का यूज़ कर रहे हैं। फ्लैश कार्ड्स कैसे होते हैं मैं बताती हूँ, बहुत सिंपल। आप एक मोटा सा गत्ता प्रॉपर लेते हो, उसको छोटे छोटे पीसेस में काट देते हो, आप उसको एक मेमोरीज टाइप का बनाते हो बच्चों को लर्न करने के लिए, उसको एक फ्लैश कार्ड शो किया, फिर दूसरा के एक स्टोरी क्रिएट कर रहे हो, आप पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना रहे हो ताकि एक बच्चा क्या कर पाए, ज़्यादा बेटर तरीके से अच्छे से सीख पाए। देखो इस चार्ट को देखना, ये आपकी KVS मदान बुक से लिया गया है, बहुत ध्यान से देखना। ये तो वैसे जब मैंने पूरा कोर्स पढ़ाया है वहाँ हर एक चीज़ समझाई गई है, यहाँ पे मैंने आपको एक बार आइडिया बता देती हूँ कि ये क्या है। देखो बच्चों, पहले ऊपर देख रहे हो प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, ये वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, समझ आ रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हम कौन सी चीज़ें यूटिलाइज कर रहे हैं, जैसे कि नॉन प्रोजेक्टेड में कौन सी है। पहले हमने प्रोजेक्टेड देख ली ना, यहाँ पे एक वर्ड है प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टेड की बात कर रहे हैं, और दूसरे एरिया में क्या है नॉन प्रोजेक्टेड की बात की जा रही है। अब हमारे प्रोजेक्ट्स में क्या, प्रोजेक्टेड में क्या आ गया, हमारे फिल्म्स, स्लाइड्स, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स, एपिडिस्कोप, वीडियो प्रोजेक्टर और फिल्म स्ट्रिप्स। और जो नॉन प्रोजेक्टेड है, इट मीन्स उसमें कोई भी प्रोजेक्टेड नहीं है, वो हमने खुद बनाए हैं,
जैसे चार्ट्स है, फ्लैश कार्ड्स है, पोस्टर्स है, पिक्चर्स है, आप किसी चीज़ की पिक्चर दिखा रहे हो, डिस्प्ले बोर्ड्स, आप व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, फैनल बोर्ड। फैनल क्या होता है, मैं बीएड के टीचर्स देखे, वो काला कपड़ा टाइप का मोटा होता है, उसको चॉक से लिखते हैं, उसको फैनल बोर्ड बोलते हैं। मैग्नेटिक बोर्ड क्या होता है, उसके साइड पे मैग्नेटिक्स लगाए होते हैं, वो चिपका जाता है। पेग बोर्ड होता है, हुक्स टाइप में उसको कनेक्ट किया जाता है। मॉडल्स, जैसे आप मैप का बना देते हो मॉडल, या आपने से अर्थ का बनाना है, तो आप क्या करोगे, एक अर्थ टाइप का, ग्लोब टाइप का एक मॉडल बनाओगे, उसको प्रेजेंट करोगे, तो वो आपके मॉडल्स हो गए। ऑडियो, जो चीज़ें सुन के, टेलीविजन रिकॉर्डिंग्स, FM, और आपकी एक्टिविटी, जैसे आपने कहीं पे, अब मैं आपको चाहती हूँ हिस्टोरिकल कोई चीज़ दिखाना, तो एक तो मैं आपको बुक्स पे दिखाऊंगी, दूसरा मैं आपको प्रैक्टिकली वहाँ पे पिकनिक ले जाऊंगी और आपको वो चीज़ें समझाऊंगी। माइंड मैपिंग, ध्यान देना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जानना भी हमारे लिए, क्योंकि ये एग्जाम में ये कुछ ऐसे सवाल है जो एग्जामिनर के बहुत फेवरेट है, और वो एग्जाम में ये चीज़ें अक्सर पूछ लेता है। माइंड मैपिंग डेवलप की गई थी टॉविन बूज के द्वारा, ये सवाल पूछ लिया गया 1960 में, डेट नहीं पूछते, डोंट वरी। माइंड मैपिंग क्या है, डायग्राम रिप्रेजेंटिंग टास्क है, जहाँ पे हम डिफरेंट वर्ड, जैसे आपने देखा ट्री, आपका फैमिली ट्री बनाते हैं, जहाँ पे हम चीज़ों को, मेमोरीज को क्रिएट करते हैं इन अ वेरी स्पेसिफिक वे, इन अ वेरी प्रॉपर वे, कनेक्ट करते हैं, ये दादाजी है, अच्छा ये मेरे फादर है, ये मेरे फादर के ब्रदर है, अच्छा ये हमारी फैमिली है, ये मेरे चाचू की फैमिली है, ये हम सिबलिंग्स है, ये सिबलिंग्स है, एक ऐसा डायग्राम फॉर्म में या लाइन फॉर्म में क्रिएट किया जाता है, ताकि एक बच्चा नेचुरल वे में उसको सीख पाए। और बहुत 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 इंपॉर्टेंट है डेल स्कॉन्स एक्सपीरियंस मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल कॉन हमें समझाते हैं कि जो चीज़ें हम पढ़ते हैं वो हमें 10% याद रहती है, जो चीज़ें हम सुनते हैं वो हमें 20% याद रहती है, जो चीज़ें हम देखते हैं वो हमें 30% याद रहती है, जो चीज़ें हम सुनते और देखते दोनों चीज़ें कर रहे हैं, इसमें सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, वो हमें 50% याद रहती है, और 70% वो जो हम क्या करते हैं, अपने से कहते हैं और खुद से लिखते हैं, रोल प्ले करते हैं, और सबसे ज़्यादा जो चीज़ हम परफॉर्म करते हैं। अब सपोज मैं बताती हूँ, मैं एज अ टीचर पहले कोई चीज़ पढ़ती हूँ तो मुझे सिर्फ 10% समझ आती है, उसके बाद उसको सुनती हूँ तो मुझे 20%, उसको सुन भी रही हूँ देख भी रही हूँ तो मुझे 30% समझ आना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जब मैं उसको देख भी रही हूँ और सुन भी रही हूँ तब 50%, और उसको मैं अपने वर्ड्स में लिख रही हूँ तब 70%, लेकिन मैं जब आपको पढ़ा रही हूँ, आपको चीज़ें सिखा रही हूँ, इट मीन्स 90% वो चीज़ें मुझे क्या आ रही है, समझ आ रही है। तो प्रैक्टिकली आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो और इस मेथड से खुद भी सीख सकते हो। आप भी एज अ टीचर किसी को ये चीज़ें समझाओ, पढ़ाओ, अगर आपको लगता है कि भाई मेरे लिए डिफिकल्ट है, आप खुद भी टीचर बन जाओ, ये चीज़ें समझाना स्टार्ट कर दो, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। स्कॉलरिक असेसमेंट का मतलब होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉग्निटिव एबिलिटीज देखते हैं लर्नर्स की एकेडमिक एक्टिविटीज में, जैसे आपने ग्रेजुएशन में कैसा किया, मास्टर्स में कैसा परफॉर्म किया, अपनी PhD में कैसा परफॉर्म कर रहे हो, BEd में कैसा कर रहे हो, उस मैनर को कैसे आप चीज़ों को यूटिलाइज कर रहे हो, कैसे नॉलेज को एक्योर कर रहे हो, कैसे चीज़ों को समझ रहे हो इन ए बेटर वे, उसे हम बोलेंगे स्कॉलरिस्टिक असेसमेंट। अब चॉइस बेस, क्रेडिट बेस, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो हर एक बच्चा अलग होता है, यूनिक होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो साइंस बैकग्राउंड के होते हैं लेकिन उनको मन करता है कि वो थोड़ा सा सोशल स्टडीज पढ़े। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे जो सोशल स्टडीज के होते हैं लेकिन उनका मन करता है कि वो साइंस पढ़े। तो ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट बेस्ड सिस्टम्स किनके लिए है, एक तरीका है जहाँ पे एक बच्चे का साल भी वेस्ट ना हो और वो अपनी मर्जी के भी चॉइसेस ले पाए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका कोर कोर्स, जिसमें आप कंपलसरी होता है, आपने वो करना ही करना है। जैसे आप पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स कर रहे हो तो वो चीज़ आपको करनी ही करनी है। इट मीन्स आपका पॉलिटिकल साइंस क्या बन गया, आपका कोर्स इलेक्टिव कोर्स आपका होता है, जो अपनी आप चॉइसेस चूज करते हो। मतलब जैसे आपका पॉलिटिकल साइंस एक कोर सब्जेक्ट है, आप क्या करोगे, हिस्ट्री को ऐसा इलेक्टिव कोर्स चुनोगे। और डिसिप्लिन स्पेसिफिक सिलेक्टिव, वो क्या है, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी वो ऑफर कर रही है, वो उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। जैसे हो सकता है कोई लैंग्वेज का सब्जेक्ट हो, या हो सकता है कोई स्किल बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड हो, ये आपका क्या आ गया। और डिस्क्रिएशन प्रोजेक्ट क्या हो गया, एक इलेक्टिव कोर्स है, मतलब जो चूज कर रहे हो, डिजाइन टू एक्योर स्पेशल एडवांस नॉलेज।
जैसे आप कंप्यूटर की नॉलेज कर रहे हो, ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, टीचर फैकल्टी मेंबर इज कॉल्ड डिस्क्रिएशन प्रोजेक्ट। यहाँ पे जो आपकी टीचर्स है, जो आपको सिखा रहे हैं, उनको क्या बोलाया जाएगा? डिस्क्रिएशन प्रोजेक्ट। और जेनेरिक एलेक्टिव ये क्या है? ये एक एलेक्टिव कोर्स है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो जर्नली फ्रॉम एन अनरिलेटेड डिसिप्लिन। आपका पॉलिटिकल साइंस की बात हो रही है, आप चूज कर रहे हो बायो एज अ सब्जेक्ट, तो ये क्या आ गया? जेनेरिक एलेक्टिव। मतलब आपका पॉलिटिकल साइंस सोशल स्टडीज एक मेन सब्जेक्ट है, लेकिन आप एज अ ऑप्शनल किस सब्जेक्ट को चुन रहे हो जो बिल्कुल भी उस सब्जेक्ट के साथ कहीं भी रिलेट नहीं करता है। एबिलिटी, ध्यान देना इस नाम से ही, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स। इट मीन्स आपकी कोई पर्टिकुलर एबिलिटी, आप डांसिंग, सिंगिंग, आपकी लर्निंग, आपको कोई पर्टिकुलर कोर्स के बारे में, कोई पर्टिकुलर स्किल के बारे में आपकी इन्हांसमेंट कर रहा है, वो आपके अंदर वो चीज़ को क्या कर रहा है, उभार रहा है, निखार रहा है। और कंप्यूटर बेस्ड, और हमने देखा था कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग क्या होता है, जिसे हम CBT कहते हैं, जहाँ पर पुराने ज़माने के टाइप के टेस्ट नहीं होंगे, लेकिन OMR जैसा होता था वैसे नहीं, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। इससे क्या होगा, एक तो चीज़ें क्या बेनिफिट होगी, एक तो डाटा रिच रिजल्ट्स होंगे, और कोई भी गलतियाँ गड़बड़ नहीं होगी, और जो हमारे पास वेस्टेज होती थी चीज़ों की वो भी नहीं होगी, और बहुत कम समय में हम रिजल्ट डिक्लेयर कर पाएंगे, क्योंकि आपने वो डाल दिया स्कैनर में, उसने आंसर शीट्स देखे प्रॉपर तरीके से, कौन सा ऑप्शन क्लिक किया, और आपका UGC नेट का भी जो होता है वो कंप्यूटर बेस्ड ही टेस्ट होता है। और मेन डिफरेंस बच्चे क्या है सिलेबस और करिकुलम के बीच में, ये आपको ध्यान देना, ये मैं आपको समझाती हूँ। देखो, सबसे पहले आपका सिलेबस एक स्मॉलर टर्म है, करिकुलम एक वाइडर टर्म है। सिलेबस का मतलब है जैसे आप सोशल साइंस की कोई बुक पकड़ रहे हो, आपके 10 units है, इट मीन्स वो आपका सिलेबस है, लेकिन करिकुलम आपका पूरी डेवलपमेंट, आप कैसे पढ़ते हो, कैसे ग्रो करते हो, आपकी लर्निंग में क्या प्रॉब्लम्स है, उनको कैसे सुधारा जा सकता है, आपकी हैबिट्स कैसे अच्छी फॉर्म की जाती है, सभी किसका पार्ट है? करिकुलम का। इसका मतलब जो आपका सिलेबस है वो एक नैरो पार्ट है, लेकिन जो आपका करिकुलम है एक बहुत वाइडर पार्ट है। आपका जो सिलेबस है वो वैरी कर सकता है टीचर टू टीचर, लेकिन जो करिकुलम होता है वो सभी टीचर्स के लिए एक होता है। क्यों? क्योंकि हम सभी टीचर्स का मेन पर्पज होता है कि हम अपने बच्चों को प्रॉपर तरीके से ग्रो करवा पाए, हम लर्निंग को इतना अच्छा बना पाए ताकि जो बच्चे हैं वो क्या करें, अच्छे से सीख पाए। अब मैं आपको बोल रही थी ना कि मैं नई एजुकेशन पॉलिसी समझाऊंगी, चलो हम इसको समझते हैं। देखो, सबसे पहले एजुकेशन एक कंकरेंट लिस्ट में आता है, पहले स्टेट लिस्ट में था, कैसे चेंज हुआ? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ आपका 1976 में, जहां पे ये स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में आया। हमारे पास 3 lists होती है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट पे स्टेट लॉज बनाती है, सेंट्रल लिस्ट पे सेंट्रल लॉ बनाती है, कंकरेंट पे दोनों मिलके लॉ बनाते हैं। अब यहाँ पे फोकस क्या था कि हम रिफॉर्म करें बोर्ड एग्जाम पैटर्न्स, हम ऐसा लाए जहाँ पे एक्सपेरिमेंटल लर्निंग हो, मार्क्स की इंपॉर्टेंस नहीं हो, लेकिन एक इंसान की पढ़ाई की, उसकी लर्निंग की इंपॉर्टेंस हो। तो यहाँ पे किसके द्वारा ये प्रिपेयर किया गया था? एक आपके इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ थे, के कोरिटरेंगन, जिन्होंने दिया था मॉडल 5+3+4 डिज़ाइन, जहाँ पे हम रिसोर्सेज को शेयर करेंगे। जैसे आपका एक स्कूल है, अब दूसरे स्कूल को भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है, आपस में शेयर कर देंगे, क्योंकि हमें पता हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। दोनों टीचर्स का काम बन जाएगा, स्टूडेंट्स बेटर तरीके से सीख पाएंगे। और हमारा टारगेट क्या है कि हम बाई लैंग्वेजर, मतलब एक बच्चे की बेसिक लैंग्वेज, आपकी मातृभूमि, जैसे मैं कश्मीरी पंडित हूँ, मेरी लैंग्वेज क्या है, जो बेसिक मदर टंग है वो कश्मीरी है। आप जहाँ से बिलोंग करते हो आपकी वो क्या है, मातृभूमि है। एक बच्चे को बाई लैंग्वेज सिखाया जाए ताकि वो प्रॉपर तरीके से पढ़ पाए। ये प्रॉब्लम आती है ना, एक बच्चे को इंग्लिश सीखनी पड़ रही है, जबकि हमारी इंग्लिश अपनी लैंग्वेज नहीं, एक फॉरेन लैंग्वेज है। और ये जो पेरेंट्स, जो ट्रांसफरेबल जॉब है जिनकी, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया एक ही पर्टिकुलर स्टडी सिस्टम होगा, एक ही पर्टिकुलर लर्निंग सिस्टम होगा, तो आप जैसी मर्जी कहीं पे भी ट्रांसफर कर रहे हो, एक बच्चे के जो तरीका है, बुक्स है, वो सभी सेम रहेगा, सिलेबस सेम रहेगा। तो क्या होगा, जो आपकी सबसे पहले बेसिक आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, क्योंकि जो छोटे बच्चे उनकी फाउंडेशन स्टेज है ना, उनको अभी रटाफिकेशन नहीं करवाना है, फिर उसके बाद जो उनकी फर्स्ट और सेकेंड क्लास है वो भी क्या है, फाउंडेशन स्टेज है। अभी हमने उनको फोकस करके नहीं पढ़ाना है, अभी हमें उन्हें बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें सिंपल करनी है, उनकी एक नींव रखनी है। अभी उनको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्या करना है, सिखानी है, समझानी है, ज़्यादा से चीज़ों के बारे में बताना है। दूसरा, जब वो 3 class से मतलब 3rd to 5th class में होंगे, तो उनको प्रिपेयर करना है, प्रेपरेटरी स्टेज।
अब उनको थोड़ा थोड़ा लॉजिक सिखाना है, थोड़ा थोड़ा मैथ सिखाना है, लैंग्वेज सिखानी है, और उसके बाद वो मिडिल क्लास में जहाँ पे अब उन्हें चीज़ें अच्छे लेवल पे सिखानी है, और उसके बाद उनका आपका क्या आ गया जो 4 ईयर्स होंगे 9 to 12, जहाँ पे उनको नए तरीके की उनको लाइफ में क्या करना है, कैसे ग्रो करना है, वो सब चीज़ें क्या कराई जाएगी, सिखाई जाएगी। इन मॉडर्न टाइम्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस क्योर्ड मॉडल, क्योर्ड पहले था बाई, बाई मतलब जहाँ पे टीचर होता था एक लर्नर होता था बस, फिर आगे ट्राई जहाँ पे टीचर एक लर्नर और उसका क्या आ गया करिकुलम, लेकिन अब 4, एक टीचर होता है उसका फिजिकल एनवायरमेंट, एक लर्नर और करिकुलम, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्या बोला जाता है मॉडर्न टाइम में जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो क्या है, एक क्वाड पोलर है, मीन्स जहाँ पे टीचर भी इंपॉर्टेंट है, एक स्टूडेंट का फिजिकल एनवायरमेंट, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो बच्चा तब भी नहीं पढ़ पाएगा, उसका करिकुलम कैसा है और एक बच्चे का लर्निंग स्टाइल कैसा है, एक बच्चा कैसे सीख पा रहा है, एक बच्चा कैसे समझ पा रहा है, एक बच्चा कैसे चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से जान पा रहा है, वो चीज़ें भी हमारे लिए क्या हो जाएगी, इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। तो हम लर्नर पे भी इम्फेसिस देंगे, उसके करिकुलम पे भी इम्फेसिस देंगे, तो क्या होगी, ये एक काइंड ऑफ क्वाड लर्निंग प्रोसेस होगी जिसको हम क्वाड पोलर बोलते हैं। पहले बाई पोलर था जहाँ पे सिर्फ टीचर और लर्नर हुआ करता था, फिर उसके बाद आपका क्या हो गया, टीचर लर्नर और करिकुलम हो गया, और उसके बाद फिजिकल एनवायरमेंट भी। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस वगैरह जो मैं बताती हूँ, जैसे टाइगर कहते हैं जो एक चाइल्ड है वो सभी बुक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी चीज़ नहीं है। स्वामी विवेकानंदा जी कहते हैं एजुकेशन इज मैन मेकिंग, इट इज़ दैट बाई विच कैरेक्टर फॉर्म होते हैं, एक बच्चे को इंक्रीज की जाती है उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ की, और एक इंसान को अपने पाँव पे खड़ा रहने के लिए बनाया जाता है कैपेबल। टाइलर मॉडल करिकुलम क्या है, ध्यान देना इस चीज़ पे, वो कहते हैं एक पर्पज़ होना चाहिए, एजुकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जहाँ पे प्रॉपर तरीके से बच्चे को सिखाया जाए। सिंपोजियम क्या है, एक आपका डिस्कस्ड मेथड है जहाँ पे हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। और कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल जो दिया था वो किसने दिया था, आपका स्ट्रॉल और डैविस ने। और नेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है, 1988 में स्टार्ट किया गया था, हमने इसको सेलिब्रेट करना, बनाना, इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था। इसके बारे में जैसे जो एजुकेशन टीवी है ये पूछ ली जाती है बच्चे, एजुकेशन टीवी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था 1968 में। साइट का मतलब होता है, फुल फॉर्म होती है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपर्ट, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको हम NCERT बोलते हैं, 1961 में बना था। फ्लैटर डेवलप क्या करते हैं, इंट्रैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम, जहाँ पे प्रॉपर तरीका दिया जाएगा कि टीचर्स की इफेक्टिवनेस पे, एक बेहतरीन टीचर कैसे बने, एक टीचर एक बेटर तरीके से कैसे बने। और रोशियो हमें कहते हैं कि एक जो बच्चा है, एक मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इन द चेन्स, वो अपने नियमों से अपने पालनों से हमेशा क्या है, एक जंजीर में बंधा हुआ है। चीज यह ध्यान देना, इसका मतलब है स्टैंड्स फॉर चिल्ड्रन एनहेंसमेंट एजुकेशन थ्रू रेडियो, जहाँ पे हम क्या करेंगे, रेडियो की हेल्प से बच्चों को एनहेंस करेंगे, सिखाएंगे और समझाएंगे। और आपके फादर ऑफ साइको एनालिसिस मेथड कौन है, सिगमंड फ्रेड, और NI गेग ने दी थी कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग। आपका ध्यान देना, आपका मिरम्बक्का, ये पूछा गया है बच्चे, मिरम्बक्का स्कूल बेस्ड ऑन आइडियाज ऑफ फ्री प्रोग्रेस वॉज एडवोकेटेड बाय अरविंदो, वो फ्री प्रोग्रेस की बात करते हैं कि बच्चा एक प्रॉपर तरीके से डेवलप कर पाए ताकि वो लाइफ में क्या करे, अच्छा सीख पाए, अच्छा समझ पाए, ये मिरम्बक्का पूछा गया था। तो ये आपका मैराथन था टीचिंग एप्टीट्यूड का, आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ आई, आपने अच्छे से सीखा और बहुत चीज़ें आपको जानने को मिली। आपने कुछ नहीं करना है, पहले एक बार टीचिंग एप्टीट्यूड को सिंगल लेवल पे सीखो, उसके बाद उसके लास्ट ईयर के कुछ पेपर्स को देखो, उसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो, एक बार मैराथन को सुनो, समझो, जानो, क्योंकि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन सिचुएशन भी चीज़ें आती है, रट्टा मारोगे चीज़ें भूल जाएगी। आप रिसेंट जो 2000 आपका 21 का पेपर हुआ है अभी नवंबर में, उसको एक बार देखना, पेपर बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल था, और अगर आप रटा रटाई मार के जाओगे वो चीज़ें नहीं हो पाएगी।
मेरी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ में है। अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप हमारे पेड कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हो, चॉइस आपकी है। कोई कंपलसरी एजेंडा नहीं है पैसा कमाने का, मेरा मेन मोटिव है कि आप तक एक रियल एजुकेशन पहुंचे, और अगर हम कोई चीज़ उससे कमा भी लेते हैं वो प्रॉपर तरीके से उन बच्चों के लिए यूटिलाइज हो जिन बेचारों को शायद पढ़ना उनके लिए एक मतलब ऑप्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति वैसी नहीं होती है, ना उनकी फैमिलीज इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच पाती है। तो मैंने जैसे आपको मेजर फिलोसफी समझाई थी, इनके बारे में देखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है बच्चे। उसके बाद जैसे मैंने आपको फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन बताया था, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन तीन ही है, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, फैक्टर्स देख लेना, और आपका मैक्सिमाज, ऑब्जेक्टिव्स, डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग, ये बहुत बार पूछा जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था ना कि जो आपका मेमोरी लेवल है हर्बर्ट ने दिया है, अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन ने दिया है, और रिफ्लेक्टिव लेवल आपका हंट ने दिया है। उसके बाद जैसे कि हमने मैक्सिमाज समझाए थे कि कैसे हम एक बेटर टीचर बन सकते हैं, कैसे हम सिंपल चीज़ों से कम्प्लेक्स बच्चे को समझा सकते हैं, और प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताया टीचिंग के, माइक्रो टीचिंग ध्यान रखना हमेशा एक टीचर ट्रेनिंग है, यहाँ पे स्टूडेंट को नहीं पढ़ाया जा रहा है, टीचर्स को पढ़ाया जा रहा है। सो माई बेस्ट विशेज आर ऑलवेज विद यू।